रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का इतिकाफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अल्लाह ताल वसम के मुकद्दस तरीकों में से एक बड़ा ख़ूबसूरत तरीक़ा है कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया मेरे घर को ख़ूब साफ़ सुथरा करो तवाफ़ करने वालों के लिए और अहतिकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए नबी पाक सर साल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ फरमाया एक साल किसी वजह से एहतिकाफ़ न फरमा सके तो अगले साल बीस दिनों का एतिकाफ़ फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह वसल्लम ने एहतिकाफ़ का जो मकसद बयान किया वो शब कदर की तलाश बयान किया। कियातिकाफ़ से मुराद ये है कि इंसान सारा कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह तरह में उसकी इबादत के लिए उसको राज़ी करने के लिए बैठ जाए और दस दिन जब वो मस्जिद शरीफ़ में हाजिर रहता है तो हुजूर सल्लल्लाहु सल अल्ला वल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह ताला उसे दो हज और दो उमरे का सवाब अता करता है इतिकाफ़ के अंदर कुछ बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं जैसा कि इंसान को बिला ज़रूरत है तभी मस्जिद से बाहर नहीं आना उसको कोई फ़ूल बात नहीं करनी उसको कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो शरीय इस्लामिया जिससे मना करती हो इसके साथ साथ कुछ एहतिकाफ़ के आदाब भी हैं कि उसने दस दिन मस्जिद के अंदर रहना है तो आखिर उसने करना क्या है हमारे यहाँ लोग मसाइल पूछ लेते हैं और मसाइल पूछने के बाद फिर उनकी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर से आने जाने वाले आदमी के साथ आप गुफ्तु कर सकते हैं ज़रूरत के तहत आप टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं लेकिन इसको अगर आपने यही काम करना था और बहुत ज़्यादा वक्त इसी पर ज़ाया करना था तो फिर तो आप पहले से बाहर मौजूद थे इतिकाफ़ में आने का मकसूद तो अल्लाह की इबादत है इतिकाफ में जब आप आ गए तो इसका मकसद है कि आप कुछ दिनों के लिए लोगों से कट के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए आपने अपने रब को राज़ी करने का इरादा कर लिया तो इतिकाफ में एक तो शौक़ से आएँ हमारेमा ने लिखा है कि ज़िंदगी में एक बार तो इतिकाफकारी लेना चाहिए इस पर तवज्जो हो ही जानी चाहिए वक्त मिलना तो ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से तो बड़ा मुश्किल होता है लेकिन वक्त निकाल के इतिकाफ़ में एक दफ़ा तो ज़िंदगी में आ ही जाना चाहिए और किसी को हर साल मौका मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात तो इतिकाफ़ के अंदर जो काम हमने करने हैं उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे सब प्यारा काम यह है कि कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करें नबी ये पाक सल्ल वसल्लम मुबारक में कुरान पाक का दौर फरमाते थे हजरत जबरील अमीन आलाम के साथ और जिस साल हुजूर का विसाल जाहिरी हुआ उस साल हुजूर फरमाते हैं, दो मरतबा कुरान पाक का दौर किया दो दफ़ा हज़ूर नेजरत जबरील अमीन को कुरान शरीफ़ सुनाया और दो दफ़ा उन्होंने नबी पाक सल्ला व्ल्म को सुनाया तो बहुत कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत की जाए एक पहलू और भी है इसका उस पर भी आप तवज्जो करेंगे कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी होता है और सही पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तो अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए हैं जहाँ आपके लिए बंदोबस्त किया गया है तो कोशिश करें कि वहाँ कारी साहब से आलिम साहब से इमाम साहब से आप कुरान मजीद को सीखें और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है पूरे दस दिन आप मौजूद हैं और अगर आप दस दिन पूरी तवज्जो के साथ कुरान मजीद के मखारज पर लगाएंगे तो उम्मीद है कि बहुत हद तक आपको कुरान मजीद समझने में पढ़ने में आसानी होने लगेगी दूसरा इतिकाफ़ में जब आप मौजूद हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप मुहासबा नफ्स पर तवज्जो दें आप अपने ऊपर गौर करें ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो जान नहीं छोड़ रही उनकी किस तरह करके इस्लाह की जा सकती है कौन से ऐसे काम हैं जो मैं करता हूं तो उस गलती में ज़्यादा मुबतला हो जाता हूं और कौन सी ऐसे काम हैं कौन सी ऐसी जगह हैं जहां मैं जाता हूँ तो मेरा उन गलतियों से निकलने में मुझे वो जगहें और वो काम मददगार होते हैं तो अपने मुहासबा नफ्स पर तोज् दी जाए ऐतिकाफ़ के दस दिनों में मौका मिलता है इंसान को अपने लिए सोचने का हज़र मुजदल्फसानी शेख़ अहमद फ़ारूक सरहंदी अहमत ला ते किसी ने पूछा था कि दुनिया में खुश नसीब शख्स कौन होता है तो फरमाया जिसे दीद कसूर हासिल होती है हज़ूर दीद कसूर क्या होता है फरमाया जिसे अपनी गलतियाँ नज़र आनी शुरू हो जाएँ जब अल्लाह ताली किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसकी कमज़ोरियाँ उसकी गलतियाँ उसके सामने लाता है ताकि उसे इसलाह का मौका मिले और जब ऐसा नहीं होता तो फिर तो लोग जब गलती मानेंगे ही नहीं तो इसलाह कैसे होगी तो इतिकाफ़ के दस दिनों में मुहासबा नफ्स पर खास तवज्जो दें अपनी ज़िंदगी में अपना हिसाब करें अपना हिसाब और जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तुकी वह रवायत हमें बताती है हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए तीसरी बात एक तो कुरान पाक पढ़ेंगे एक मुआसबा नफ्स करेंगे तीसरी बात मोरकबा करें कुछ देर के लिए बैठें ये गौर करें कि रब तला ने हमें नेमतें कितनी अता फरमाई हैं फिर ये गौर करें कि उन नेमतों के बारे में उन नेमतों के साथ हमारी इबादत कितनी है हमारा शुक्र कितना है ज़िंदगी अपनी का हिसाब लगाएं, गौर करें कि कितना कुछ है जो हमें मेहनत से मिला है और कितना है जो बग़ैर मेहनत के मिला है और कौन सी ऐसी हैं जिनका हमने शुक्रिया अदा किया और कौन सी ऐसी हैं जिन पर हमने कभी तवज्जो ही नहीं की कि यार ये तो बहुत बड़ी नियमत है जो अल्लाह ने हमें अता की हुई अपनी गर्दन को झुका के थोड़ा गौर करें तफक्कुर का दर्श दिया है कुरान पाक ने बार बार कहा है तफक्कुर करो गौर करो तदब्बर करो तो ये हमें मौका मुयसर आता है चौथी बात इतिकाफ़ के दिनों में अपने रब करीम के साथ अपनी तवज्जो को लगाएं। क़ुरान हकीम ने जो कहा ना कि रब की इबादत इस तरह करो कि तुम्हें ना यकीन हासिल हो जाए खुल कर उसकी बारगाह में सजदे करें दुआएं मांगें हमारे सूफिया फरमाते हैं कि एक वक्त आता है कि इंसान को ख़ुद इत्मीनान कल भी नसीब हो जाता है उसे महसूस होता है कि वाकई मेरा रब मुझसे राज़ी है उसे महसूस होने लगता है कि मैं अपने मालिक के करीब चला गया हूँ वो इस कसरत से नफल पड़ता है इस क़ के साथ वो उसकी बारगाह में दुआएं करता है इस शौक़ के साथ वो तिलावत करता है ख़ुद महसूस करने लगता है कि अब मेरा दिल लगने लग गया है अब मैं दुआ मांगता हूँ तो मुझे लगता है कि कबूलियत मेरी दुआओं के करीब आने लगी है अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम खूब इस पर तवज्जो करें पाँचवीं बात इतिकाब वालों की खिदमत में यह अर्ज़ करनी है कि पूरे दस दिन हमारे पास मौजूद होंगे और हमने मस्जिद में होना है तो क्यों ना ऐसा करें कि आज अव्वल त आखिर सुबह से शाम तक हम हर वही काम उसी तरीके से करने की कोशिश करें जो तरीक़ा हमें रसूल पाक ने अता फरमाया हमारा खाना पीना सोना जागना बोलना हुजूर की इतबा में ले आए हम इन दस दिनों में हम प्रैक्टिस करें कि हमने सुन्नत के मुताबिक हुजूर के तरीक़े के मुताबिक सारे काम करने आप अगर ये इरादा करेंगे तो पता है मदीने वाले महबूब आल सलाम ने फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया गए गुज़रे दौर में रब उसे सौ शहीदों का सवाब अता फरमाएगा तो इतना एजाज़ है तो इन दस दिनों में होना भी मस्जिद में है होना भी बावज़ु है तो क्यों ना सारे काम सीखा जाए पढ़ा जाए उससे पहले कि खाना किस तरह खाना सुन्नत है और किस तरह बैठ के खाना सुन्नत है और फिर किस तरह करके गुफ्तु करना हज़ू अमाम का मुक़दस तरीका था वो किस तरह से फूल झड़ते थे जिनसे लोग फ़ैज़ हासिल करते थे तो इतिकाफ़ में अपनी मसरूफियात को इन पांच कामों में लगाएँ एक तो तिलावत कुरान हकीम करें दूसरा मुहासबा नफ्स तीसरा मुराकबा करें तदब्बर करें गौर करें अपने ऊपर भी और अल्लाह तबारक वाली की निशानियों पर भी और चौथा ये कि कोशिश फरमाएं कि हम अपनी इबादत को अपनी दुआ को अपने इस्तफ़ार को इस तरह का बनाएं कि हमें मासूस हो कि किब इलाही के जान भी हमारा सफ़र है और पाँचवा इन दस दिनों में सुन्नत और शरीयत की वो सारी चीज़ें जिसका दिन हमसे मुतालबा करता है अब तो हम बिल्कुल दुनिया से एक साइड पे होके बैठें अब तो इस तरफ तोज्जो करें अल्लाह ताली समझने की तोफ़ी का ताफ़रमाएँ